आपने क्लोन फेस के बारे में तो सुना ही होगा। चलो सुना नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा किसी पड़ोसी के घर में या फिर किसी ऑफिस के एक्वेरियम में। पर क्या आपने कभी ये सुना है कि क्लोन फिश पैदा ही सिर्फ मेल होती है, फीमेल नहीं? आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, बिना मम्मी फिश के बेबी फिश कैसे आते हैं? हमेशा की तरह कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल क्लोन फिश जो है वो हमेशा झुंड में रहती है और ज़्यादा दूर भी नहीं जाती अपने घरों से। उस झुंड का एक लीडर होता है जो फीमेल क्लोन फिश होती है, जो अपने लड़ाकू स्वभाव की वजह से ज़्यादा खाना खाती है और इसलिए साइज में भी काफ़ी बड़ी होती है। यही कारण है कि सबकी लीडर भी होती है। और झुंड के बाकी मेल फिश में से एक मेल फिश ऐसा होता है जो कि डोमिनेंट रहता है और वो सारे मेल फिश के लीडर होता है। और फिर दोनों डोमिनेंट फिश ब्रीड करते हैं आपस में और अंडे देते हैं। फिर बाद में अगर फीमेल फिश की मौत हो जाती है तो मेल डोमिनेंट फिश लीडर बन जाता है ग्रुप का। अब लीडर बन जाता है तो ज़्यादा खाने को भी मिलता है। अब ज़्यादा खाना खाने की वजह से मेल फिश जो है वो फीमेल फिश बन जाती है। तो इस तरह से ज़्यादा खाना खाने से मेल क्लोन फिश फीमेल क्लोन फिश में बदल जाती है। आप कमेंट करें आपने क्लोन फिश देखी है या नहीं।